गुड मोदी के मॉर्निंग फ्रेंड्स। मोदी केयर की इस सफलता भरी दुनिया में मैं सिमी मल्होत्रा आप सबका स्वागत करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, ऐसी दुनिया में चलते हैं जहाँ सब एक दूसरे को सफल बनाने में बहुत मदद करते हैं, और इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ जिन्हें हम सफलता की गुरु मानते हैं, और लाखों लोगों की जिंदगी को उनके सपने पूरे करने में ये बहुत मदद करते हैं। तो आइए इनवाइट करते हैं इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में जो सबसे सक्सेसफुल पर्सन है, डॉक्टर सुरेखा मैम को। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो वेरी मच सिमी। वाओ, दिस इज फैंटास्टिक। दोस्तों, मोदी केयर सक्सेस कार्निवल में आपका स्वागत है। हम लेकर के आए हैं मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज अनलिमिटेड। मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की लोगों को कराती चली जा रही है, और अगर हम अनलिमिटेड मोदी केयर की सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करें तो शायद महीनों 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 निकल जाए। पर कुछ छोटी छोटी देर में, जैसे कहते हैं ना कि वो समुन्द्र पर लाखों मोती बिखरे पड़े और हमने उसमें से सिर्फ दो मुट्ठी मोती उठाए और बिखेर दिए दुनिया में, आज हम वो करने वाले। हर कैटेगरी में लोग सफलता पाते चले जा रहे हैं, और हमने हर कैटेगरी में कुछ चुनिंदा सक्सेस स्टोरीज उठाई हैं और आज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। अब जिस कैटेगरी का नंबर आया है वो है यूथ। देश, हमारे देश का यूथ बदल रहा है, और ये बदलना जरूरी भी है। हमारा वक्त था जब हम छोटे थे, उस समय माँ बाप कहा करते थे, बेटा बस कुछ कर लो, पढ़ लिख लो, नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ लिख लो, एक ठीक ठाक नौकरी कर लो, नौकरी में लग जाते थे, अपॉर्चुनिटीज कम थी, एक्सपोजर कम था, और एक बार बस जो लाइन पकड़ ली वो आपकी पसंद की हो या पसंद की नहीं हो, उसमें जिंदगी आप अपनी पसंद की जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, पर बस पढ़ते चले जाते थे। और माता पिता याद दिलाया करते थे, वो शर्मा जी के बच्चे ने ये कर लिया है, वो वर्मा जी के बच्चे ने ये कर लिया है, और हम सोचते थे कैसे हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें। अपॉर्चुनिटीज कम थी, हिम्मत कम थी, और बस जैसी जिंदगी शुरू होती थी, जवान होते थे, बहुत सारे सपने होते थे, फिर शादी हो जाती थी, नौकरी लगती थी, सपने धीमे धीमे दबने लगते थे, फिर घर गृहस्थी में लग जाते थे, फिर बच्चों को लाने ले जाने में लग जाते थे, और फिर कब में कब पता भी नहीं चलता था सारे सपने कहीं दब गए। वो जो अरमान लेकर के कि हाँ जिंदगी में ये करेंगे वो करेंगे, हम सबका अरमान होता था, वाइफ को स्विट्जरलैंड सिंगापुर हनीमून पे लेकर के जाएंगे तो अच्छी अच्छी गाड़ियां चलाएंगे, और वो सपने न जाने कहाँ खो जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। पर दोस्तों, जिन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत पता चल गई, जिन लोगों ने सीख लिया कि डेवलप कंट्रीज में जैसे लोग जीन्स पहना करते हैं, जिस ढंग से स्मार्टली ड्रेसअप होते हैं, वैसे ही एक स्मार्ट इनकम का तरीका है जो डेवलप कंट्रीज में लोग काम में लेते हैं। 15-16 साल के होते हैं उस नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं, 18 साल तक के होते हैं तब तक इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने खर्चे पर रहते हैं, माता पिता को पॉकेट मनी लेने की बजाय उनको पॉकेट मनी देते हैं, और जब ये कॉन्सेप्ट लोगों को समझ में आ गया, वो नेटवर्क मार्केटिंग करने लगे, मोदी केयर से जुड़ने लगे, तो बनी है इतनी सारी सफल की कहानी, जिसमें से आज कुछ कहानियां मैं आपको दिखाने वाली हूं। सबसे पहले बुलाना चाहूंगी एक ऐसे 26 साल के यंग डायनामिक बॉय को जिसने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सीखा है, समझा है, इसको जिया है, और अपनी सफलता की कहानी ये खुद ही आपको बताएगा। यंगेस्ट रिचेस्ट मल्टी मिलियनियर निशान भार्गव जी को जोरदार तालियों के साथ मैं स्क्रीन पर बुलाना चाहूंगी। हेलो दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम निशान भार्गव है और बहुत लकी हूँ कि इस मोदी केयर की जो अपॉर्चुनिटी है वो मेरी लाइफ में बहुत जल्दी आ गई थी। 2 साल की उम्र से मोदी केयर की पावर, मोदी केयर में अलग अलग लोगों को, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को जुड़ते हुए और सफल होते हुए देख कर ही मैं बड़ा हुआ हूँ। बट जैसे जैसे मोदी केयर का बिजनेस बड़ा हुआ, मैं भी बड़ा हुआ, और मैंने मेरे घर में पढ़ाई लिखाई को बहुत इज्जत दी जाती थी, तो मैंने ग्रेजुएशन करा, MBA करा, और फिर एक MNC में नेशनल पोजीशन की एक बहुत हाई पेइंग जॉब पे लग गया। वो कहते हैं ना कि जो सोसाइटी एक व्यक्ति से एक्सपेक्ट करती है, एक यंग लड़के से जो एक्सपेक्ट करती है, वो मैंने करके देख लिया था फ्रेंड्स। मगर ये पता चला कि मोदी केयर जो 2-5 ईयर का पैसिव इनकम का प्लान इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू देता है, वही लोग वो 30-40 साल के डिपेंडेंसी प्लान में उतनी सफलता नहीं पा पाते जो यहाँ के 2-5 ईयर के पैसिव इनकम की सफलता पा लेते हैं। उसके अलावा भी मैं जो काम कर रहा था खुद के लिए तो बहुत अच्छा कर रहा था। मेरी फ्लाइट का खर्चा, होटल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा सब कुछ मेरी कंपनी देती थी। जब फ्लाइट लैंड होती थी तो एक टैक्सी खड़ी होती थी मेरा नाम पकड़ के। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा मौका एक जॉब में मैं कभी किसी और को नहीं दे पाता। तो इसी को सोच के और मोदी केयर के ग्रेट पोटेंशियल को समझ के मैं फुल टाइम मोदी केयर में हूँ। और जो मोदी केयर की पावर और पोटेंशियल समझने के लिए मेरे को इतने साल लगे, मेरे को इतना बड़ा होना पड़ा, मेरा एम है कि आज जो हमारी हिंदुस्तान की यूथ है
वो मोदी केयर को, नेटवर्क मार्केटिंग को एस करियर ऑप्शन देखे, एक ऐसा ऑप्शन देखे, सोचे कि पढ़ाई लिखाई पीछे रह गई तो कोई बात नहीं दोस्त, मोदी केयर जैसे बिजनेसेस हैं जो हमारे को बिना कॉस्ट के पार्ट टाइम में पैसिव इनकम कमाने का मौका देते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मोदी केयर के साथ आगे बढ़ती जाइए, जीतते जाइए। ओवर टू यू। थैंक यू निशान, के बारे में जब सोचती हूँ तो इसकी नो डाउट, इसकी वॉल्वो, इसकी घड़ियाँ, इसकी गाड़ियाँ, इसके फॉरेन ट्रिप्स, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं जो याद आती है, पर जो सबसे बड़ा मोदी केयर ने पाया है, निशान भार्गव ने पाया है मोदी केयर से, वो है इसकी पर्सनल ग्रोथ। फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग पर्सनल ग्रोथ का यूथ्स के लिए बहुत अच्छा जरिया है, और हम सबको, कुछ भी कर रहे हो, चाहे डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो, पार्ट टाइम में साइड बाय साइड नेटवर्क मार्केटिंग करके इस पर्सनल ग्रोथ पर काम करेंगे तो हीरे जैसे निखर करके आएंगे। जोरदार तालियां मैं निशान भार्गवा के सारे एफर्ट्स जो वो पर्सनल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं उनके लिए बजाना चाहती हूँ, और हमारे अगले अचीवर को बुलाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, अगले जो हमारे अचीवर हैं ये केरला से हैं। इनके पास पूरा पूरा मौका था कि ये भी एनआरआई बन जाते। केरला में हर घर में कोई ना कोई विदेश जाकर के पढ़ता है, वहां पे काम करता है, वहीं सेटल हो जाता है। इनके पास भी पूरा पूरा मौका था, बट इन्होंने डिसाइड किया कि इनको मेड इन इंडिया बनना है, और जब मेड इन इंडिया का फैसला किया, मोदी केयर जैसी अपॉर्चुनिटी इनको मिली, तो क्या कर रहे हैं ये अपने इस यूथ के साथ, क्या कर रहे हैं ये देश के लिए, हम जोरदार तालियां बजाते हुए जिशाद बकरजी को बुलाएंगे उनसे ही सुनने के लिए कि वॉट ही हैज डन फॉर द कंट्री। जिशाद जी, ओवर टू यू। Thank you, Suregaji, for this great initiative. I think we are the only one organization doing such a kind of great initiative, especially this COVID pandemic situations. And great hats off you, because you are our real great mentor, because almost all the difficult situations you guide us, you really inspiring us, you really motivating us. Because I still believe the 17th of March, because that's the first day you delivered the first Zoom speech. And from that day onwards, I think the whole industry is really vibrating. Thank you very much. Thank you once again. And myself, Jishad Bakar, I'm from Kerala, God's own country. I think it's a very, I don't know how to express my happiness in front of all these Facebook and Zoom friends, because I believe that this is an era of a very, very particular virtual entrepreneurship concept. This is what I want to share with you. Almost all the time, there is so many concepts. They are beating the world. We know Zoom is a concept, and Facebook is a concept, and WhatsApp is a concept. At the same time, virtual entrepreneurship is a new concept. And Modi Care is absolutely, it's a virtual entrepreneurship concept. Before entering Modi Care, I'm a trainer. I'm a professional business coach. Then I have started this great organization a few years back, and slowly I studied about this business and I slowly built my business. And today I can proudly say that we have created so many successful people, including housewives, students, doctors, engineers, professionals, self-employed people, so many people. I think the next week I'm going to deliver 5 cars in a day. That means we are going to celebrate our 19th car achievement celebration. And before this December, the 31st December, we are going to celebrate our 100 car achievements. And of course, I can proudly say that we have created more than around 40 plus millionaires. I think a few years back, getting 1 lakh rupees, it's a dream of mine, actually. It was a dream of mine. But now we have created more than 40 plus millionaires. And of course, I can proudly say that now I have 2 car keychains worth around 1 crore 10 lakh rupees. Friends, this is the power of Modi Care. This is the power of Modi Care. This is the power of network marketing. And we can proudly say that the leaders like Nishan Ji or Sureka Ji and my upline, Philip Singh and Neena Ji, all together, really, we are making India. Even this COVID pandemic situation shaking India, but we are making India. So congratulations, everyone, for choosing this great platform. And I can proudly say that this industry for ordinary people, but those who have extraordinary focus. Then you can succeed in this business. So I'm wishing you a wonderful future. And once again, thank you very much, Sureka Ji, for this great invitation and great platform. Thank you very much. Jishad, you said it. When you are in India, when you are on field, you are working hard. And when you are on a foreign trip, you are enjoying like anything. I've seen you enjoying each and every country, London Eye, this and that, everywhere. You are just clicking photographs of everyone. And you are just like hero when you are outside, when you are there, internationally traveling there.
It's amazing. And when you are on a field, you are a taskmaster. I'm so happy. Every day we can see you on Facebook, some here and there, you are inaugurating some car. So hats off to you. Great going. And we are really proud of you. Fantastic. Friends, एक और सक्सेस स्टोरी, एक एमबीए स्टूडेंट की, एक किसान परिवार से, एक गांव से, कर्नाटका के एक गांव से, और बस उसने ठान लिया नेटवर्क मार्केटिंग उसको मिला, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा और आज मोदीगिर के स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर के रूप में उन्हें जाना जाता है। हम बुलाने जा रहे हैं राजू डीजी जी को सम्मान स्क्रीन पर, जोरदार तालियां उनके लिए बजाते हुए। राजू डीजी जी, ओवर टू यू। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं काफी एक्साइटेड हूँ दोस्तों। मेरा नाम राजू डी जी है। मैं एक किसान का एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। दोस्तों, मैंने काफी बड़ा तरक्की किया है जिंदगी में। मैं एमबीए खत्म करके मैं आईएएस अफसर बनना चाहता था। आईएएस अफसर नहीं बना, उस टाइम पे मोदी केयर मिला मेरे को। बहुत मुश्किल का जिंदगी काट रहे थे, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। उस टाइम पे हमने फोकस किया बिजनेस के ऊपर, हमने फोकस किया सिस्टम के ऊपर। हमको बहुत कुछ मिला है मोदी केयर में। ऑल ओवर इंडिया में 22 राज्य में मेरा बिजनेस है। 1,30,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं हमारा ग्रुप में, और इसी बिजनेस करते हुए मैंने हर महीने 15 लाख से ज्यादा कमाई कर रहा हूँ। मेरा ग्रुप में 400 से ज्यादा लोग ऑलरेडी कार ले चुके हैं। मैं 25 पाल ट्रिप में एंजॉय किया हूँ। और दोस्तों, बहुत सारा यूथ यंगस्टर्स मेरा ग्रुप में है, वो लोग अभी तक दाढ़ी नहीं आया, ऑलरेडी वो आड़ी कार का मालिक बनने वाले हैं। ऑलरेडी कई लोग बन चुके हैं। एक लीडर ने संतोष शेट्टी बहुत कम उम्र में ऑलरेडी पोर्शे कार बुक किया है, और एक लीडर दिवेदर शेट्टी वो शादी के पहले ही बहुत लग्जरी बड़ा लग्जरी कार पाना चाहता था। वो ऑलरेडी 13 लाख से ज्यादा कमाई करते हैं शादी के पहले ही, और खुद वो अभी लैंड रोवर कार का मालिक बनने वाले हैं। मैंने अभी तक 8 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया हूँ, और मैं उम्मीद रखता था हमेशा ट्रेनिंग देने में बहुत कुछ मैं हासिल किया हूँ दोस्तों मोदी के थ्रू। एक साइकिल से शुरू किया था, अभी बीएमडब्ल्यू कार का मालिक बन गया हूँ। इसी बिजनेस ने मेरे को एक बड़ा घर दिया है, और लाखों लोगों के दिलों में मैं जगह बना लिया हूँ। लाखों लोगों का प्यार, विश्वास, इज्जत वगैरह सब कुछ मिलता है। ये तो शुरुआत है। यूथ हमने, हमारा यूथ ने मिशन लिया है लाखों करोड़ों लोगों को आजादी दिलाते हुए, अनएम्प्लॉयमेंट को हटाना चाहते हैं। ये है मोदी केयर का ताकत। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक राजू, तुमने बिल्कुल ठीक कह दिया। अगर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की चिंता करने की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचने लगे, मोदी केयर के बारे में सोचने लगे, तो देश से अनएम्प्लॉयमेंट हटाया जा सकता है। किसी माँ को कभी दरवाजे पर खड़े होकर के अपने बेटे से पूछना नहीं पड़ेगा कि बेटा नौकरी लगी, और बेटे को कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि नहीं नौकरी नहीं लगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। और जो ये तुम लोगों का मिशन चल गया है कि लोगों को रोजगार, स्वरोजगार में लगाना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, लखपति करोड़पति बनाना है, तुम लोगों के इस मिशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि तुमने कहा, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाती है, साड़ी पहनने से पहले गाड़ी आ जाती है। ये हमारे मोदी केयर का कमाल है, और ये ही इस देश का यूथ जब ठान ले रहा है तो कर पा रहा है। जोरदार तालियां राजू हम तुम्हारे लिए बजाना चाहेंगे। वाओ, फैंटास्टिक। फ्रेंड्स, आइए सुनते हैं अब एक और अनोखी यूथ आइकॉन को। फ्रेंड्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी, और बस किसी ने कैजुअली एक बिजनेस के बारे में बताया, और कैसे ज्वाइन किया और कहां पहुंच गई, और कैसे कुछ सालों में उनकी जिंदगी बदल गई है, अपने पेरेंट्स को कैसे उनका नाम रोशन करा रही हैं, ये बताने के लिए हम बुलाने जा रहे हैं यूथ आइकॉन अक्षी दत्ता जी को। जोरदार तालियों के साथ हम सम्मान स्क्रीन पर उन्हें बुलाना चाहते हैं। अक्षी जी, ओवर टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, नाम अक्षी है। मोदी केयर बिजनेस को पिछले लगभग 8 सालों से बिल्ड कर रही हूँ। जब स्टार्ट करने वाली थी तो उस समय कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि इतनी बड़ा चेंज आएगा लाइफ के अंदर। एक छोटे से 60 गज के घर में रहती थी, पापा के पास आइटन कार थी, और मम्मी जो थी सब्जी लेने जब जाती थी तो 10-10 रुपए रिक्शे के बचाया करती थी, क्योंकि हर माँ सेविंग करती है। तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत सेविंग और बहुत स्ट्रगल करके, मैं उनकी लाइफ को देख रही थी कि वो बहुत सारे सेविंग और स्ट्रगल कर रहे हैं, और मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। तो दोस्तों, 19 साल की उम्र में मोदी केयर को स्टार्ट किया था 1647 रुपए की इनकम से,
और कभी नहीं सोचा था कि वो 1647 रुपए की इनकम दिन की एक दिन की 55,000 की इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों इस मंथ का छोटा सा पे आउट आया, लास्ट जो पे आउट था 1385,300 रुपए का पे आउट था जो लास्ट मंथ आया था। और दोस्तों बताना चाहूंगी यहाँ से 9 विदेश यात्राएं लेकर आ चुकी हूँ, मेरा पूरा पासपोर्ट भर चुका है और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से जो 4 लाख की आइटन कार थी उससे आज एक जैगुआर कार की तरफ मैं पहुंच चुकी हूँ मोदी केयर के थ्रू। और एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये जैगुआर कार भी अब पुरानी हो गई है, तो एक और कार 21 जुलाई को मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ से लेने जा रहे हैं जो कि है पोर्शा बॉक्सटर, सिर्फ 1.25 करोड़ रुपए की आती है। और दोस्तों नेक्स्ट मंथ मुझे हमारी शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा, तो हम लोग मोदी केयर क्योंकि हमारे साथ है तो हम मालदीव्स घूमने के लिए जा रहे हैं, जो मतलब आज फाइनेंशियली इतने फ्री है कि एक यंग कपल है और जो चाहते हैं लाइफ में वो चीज हम अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोदी केयर, थैंक यू सो मच ऑल आवर अप्लाइंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू अक्षी, पर एक बार मैं चाहूंगी कि तुम बताओ अपने पेरेंट्स के लिए तुमने क्या क्या किया, कौन सी गाड़ी दिलाई, कौन सी मोटर बाइक दिलाई और तुम्हारे पापा तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं? जी बताना चाहूंगी फ्रेंड्स कि मैंने अपने मम्मी पापा को उनकी 25th एनिवर्सरी पे 11 लाख रुपए की ब्रेजा कार गिफ्ट करी। और साथ ही साथ पहले हम 60 गज के घर में रहते थे, अब वो 60 गज का घर 60 गज का नहीं रहा क्योंकि आज मैं अपने पेरेंट्स को 70 लाख का 3 BHK का फ्लैट गिफ्ट कर चुकी हूँ और पापा को बुलेट बाइक यहाँ से गिफ्ट करी। और साथ ही साथ बताना चाहूंगी फ्रेंड्स की देखो सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरी इस बिजनेस की है वो पैसा वगैरह ये सब चीजें तो बहुत सब लोग कमाते हैं, लेकिन जो असली अचीवमेंट है वो ये है कि मेरे पापा जब भी स्टेज पर आते हैं बोलते हैं रिश्ते में तो हम अक्षी के बाप लगते हैं, नाम है राजीव दत्ता और वो भी काला चश्मा लगा के। तो दोस्तों सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी इस बिजनेस के अंदर वो है कि मेरे माँ बाप का प्राउड फीलिंग, जो वो मेरे ऊपर प्राउड फील करते हैं, तो यही कहना चाहूंगा। फैंटास्टिक, यही हम सुनना चाहते थे और यही हम हर एक यूथ को बताना चाहते हैं, क्यों अपने पेरेंट्स से पॉकेट मनी लेनी, उनको पॉकेट मनी दो, क्यों उनसे कार उनसे मोटर बाइक लेनी, उनको ये सब दो, क्यों सोचो कि वो आपके लिए कुछ करें, आप उनका नाम रोशन करके दो। और ये सब कुछ अक्षय दत्ता जी ने करके दिखाया। मैं बता दूं अभी शादी हुई थी, स्विट्जरलैंड पेरिस हनीमून पे गए हैं। मैं हर एक यूथ को एक बात कहना चाहूंगी, अपने ना खाली सपने नहीं रखते हैं कि अपने आसमान से चांद तारे तोड़ करके देने अपने जीवन साथी को, नहीं, आसमान से चांद सितारे भले ही तोड़ के नहीं दो पर इस दुनिया में जितने भी चांद सितारे हैं उनमें घुमाओ तो सही, अच्छी अच्छी जगह लेके जाओ तो सही, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताओ तो सही, एक चैन से लाइफस्टाइल लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड कराओ तो सही। और अगर ये करना है तो मोदी केयर बिल्कुल सही जगह है। जोरदार तालियां हम अक्षय दत्ता जी के लिए बजाना चाहेंगे। और हमारी अगली अचीवर अगली लीडर हर्षिता जी, अगेन अ यूथ आइकॉन, हम हर्षिता जी को जोरदार तालियों के साथ सह सम्मान स्क्रीन पर बुलाना चाहेंगे। हर्षिता जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो वेरी मच। फ्रेंड्स नाम हर्षिता अरोड़ा है और बात करूं बैकग्राउंड की तो बहुत ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहां पर पापा सेल्समैन थे, मम्मी ने सिलाई कर करके बड़ा करा, तो उन सब चैलेंजेस को देखते देखते बड़ी हो रही थी। तो बस यही था एक सपना कि लाइफ में कुछ ना कुछ करूं। और दोस्तों करते करते जैसे ही अपनी 12th के बाद एक ग्रेजुएशन एज में आई थी तो बस फादर की डेथ हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, भाई छोटा था तो चाह थी कुछ उनके लिए ऐसा कर दूं कि कभी उनको कोई एक एक रुपए की ना वैल्यू के लिए कभी वो ना करना पड़े। तो बस दोस्तों बोलते हैं ना जहां चाहा वहां रहा, तो बस उसी दौरान मोदी केयर से रूबरू हुई, मोदी केयर को करना शुरू करा और करते करते अपनी उससे पहले जॉब करा करती थी, 20,000 रुपए महीने का कमाया करती थी। और बताना चाहूंगी आज यहाँ से 20,000 रुपए एक दिन का कमाती हूँ, 6 लाख रुपए महीने की इनकम को यहाँ से इंजॉय कर रही हूँ, 7 foreign trips बिल्कुल फ्री में, जो कि हम लोग यूथ को बहुत पसंद होता है घूमना फिरना, तो यहाँ से 7 foreign trips बिल्कुल फ्री में अचीव करके आ चुकी हूँ। साथ ही साथ यहाँ से 2 गाड़ियां बिल्कुल फ्री में इंजॉय करी और 3री लग्जरी कार जो कि इसी महीने आने जा रही है। और दोस्तों उसी के साथ साथ जरूर बताना चाहूंगी हर इंसान का एक सपना होता है अपने प्यारे से ड्रीम हाउस का, तो यहाँ से मोदी केयर से लास्ट ईयर अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ जिसकी कीमत है 85 लाख का 3 BHK 250 गज का। तो दोस्तों सपने तो पूरे होते हैं, बस एक डिसीजन लिया इन सब चीजों के लिए, एक डिसीजन लिया और आज जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। और दोस्तों इस बिजनेस में जो सबसे अच्छी चीज मिलती है ना वो है मान सम्मान और नेम फेम। दोस्तों आज इससे पहले अगर मैं बात करूं तो हर्षिता अरोड़ा को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मोदी केयर है तो भारत में हर्षिता अरोड़ा का नाम हो चुका है। और इन सब चीजों के लिए थैंक्स करती हूं मेरी मम्मा का, राधा अरोड़ा का, जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा, और मेरी सभी अपलाइन लीडरशिप का, थैंक यू सो वेरी मच एंड थैंक यू मोदी केयर।
फैंटास्टिक फैंटास्टिक बिल्कुल सही कह दिया, पैसा भी है, सफलता भी है, एंजॉयमेंट भी है, खूब फॉरेन ट्रिप्स एंजॉय कर रहे हो। मैं जानती हूँ लोग पार्टी करने जाते हैं ना, किसी डिस्क में जाते हैं और बस सिर्फ म्यूजिक बजता है और नाचते हैं पागलों की तरह और घर आ जाते हैं। हम मोदीकेरियंस, हमारे पास रीजन होता है सेलिब्रेशन का, आज ये गाड़ी है, आज ये घर है, आज ये है। हम रीजन्स के साथ पार्टी करते हैं और फिर अपने अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर पार्टी करने का शौक है, अगर घूमने फिरने का शौक है, अगर अपने माता पिता को कुछ खास बन के दिखाने का शौक है, तो मोदीकेयर करना तो बनता है और यही आपने करके दिया। हम हर्षिता जी के लिए डेफिनेटली जोरदार ताली बजाना चाहेंगे। आइए फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं हमारे एक और लीडर की, कल्पेश चितोरिया जी की, जिन्होंने खुद ने अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करके दिखाया है। कल्पेश जी, सम्मान तालियों के साथ आपको स्क्रीन पर बुलाना चाहते हैं। धन्यवाद मैम, गुड मॉर्निंग और थैंक यू सो मच कि आज मुझे मौका मिला आपके सामने। हिंदुस्तान के सुपर 100 जो आपने लोगों को मौका दिया उसमें से मुझे एक सेलेक्ट किया। दोस्तों, गुजरात से हूं मैं और गुजरात के छोटे से शहर विसनगर से, और 2.5 साल पहले इस बिजनेस में आया था, मोदी केयर बिजनेस में। 18 मई 2018 को मैं इस बिजनेस में एक्टिवली स्टार्ट किए थे। जब इस इंडस्ट्री में आया था तो तब मुझे पता नहीं था कि, क्योंकि दिमाग के अंदर एक सोच थी कि साबुन शैम्पू के धंधे में पैसे नहीं आते, मेरे दोस्त भी ऐसा ही कहते थे, लेकिन मुझे ये प्रूव करके दिखाना था उन लोगों को कि इसमें भी पैसे आ सकते हैं। दोस्तों, पहला चेक, हालांकि मैंने 17,000 से स्टार्ट किया था और 6 महीने में 1 लाख, 7वें महीने में 1.5 लाख पे पहुंच चुका था, और पिछले 28-29 महीने के अंदर मैं मोदी केयर से 55 लाख रुपए यहाँ से कमा चुका हूँ। 2 फॉरेन ट्रिप यहाँ से अचीव करी है, बैंकॉक और मलेशिया। लेकिन दोस्तों, खुशी की बात यह है, गाड़ी भी मैं ले चुका हूँ, मैं कमा रहा हूँ, उससे ज्यादा मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इस इंडस्ट्री मोदी केयर के थकी आज मेरी टीम से 11 लोग कार ले चुके हैं, 4 दिन बाद एक और कार आ रही है, मतलब 12 लोग कार ले चुके हैं पिछले 2.5 साल में मेरी टीम से। 6 लोग महीने के 1 लाख कमा रहे हैं, जिसमें 3 लोग 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मौके के थकी मैं लोगों की लाइफ में बदलाव लाया। जब मैं मेरी खुद की स्कूल चलाता हूँ, मेरी स्कूल में 60 लोगों का स्टाफ है, तो वहां पे मैं चाहते हुए भी उनको मेरी तरह 2 लाख रुपए सैलरी नहीं कमा के दे सकता, 3 लाख कमा के नहीं दे सकता, हालांकि वो कितनी भी मेहनत करे, क्योंकि आफ्टर ऑल वो वहां पे एम्प्लॉई है। लेकिन क्योंकि मोदी कह रहे कि ऐसा रास्ता है जिसमें एक आम इंसान को भी यहाँ पे लाखों रुपए कमाने का मौका दिया जा सकता है, और डेफिनेटली ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं मोदी कह के बिजनेस प्लान और मेरी LOS विजय अग्रवाल सर, फाल्गुनी धर्मेश जी, अल्पेश जी और डेफिनेटली सुरेखा मैम, आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इतना बढ़िया मौका दिया कि सिर्फ इतने कम वक्त में इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करने का मौका मिला। मैं लास्ट में एक ही लाइन कह के मेरी स्पीच को आज तो वाइंड अप ही करूंगा, और मैं हमेशा ये शेयर बोलता हूँ, मैं आज जरूर आज पूरे इंडिया के सामने बोलना चाहूंगा कि होता है हौसला जिनमें मुश्किलों से लड़ने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं। कि होता है हौसला जिनमें मुश्किलों से लड़ने का, ऐसे लोग दुनिया में चंद होते हैं, और धड़कते दिल नहीं जनूने कामयाबी में, उनके लिए सब रास्ते बंद होते हैं। हौसला वो शय नहीं है जो बिकती है बाजारों में, जज्बा रखते हैं जो कुछ कर गुजरने का, हौसले उन्हीं के बुलंद होते हैं, कामयाबी उन्हीं को मिलती है, हार मालाएं भी उन्हीं को पहनाई जाती है, ट्रॉफियां भी उन्हीं के लिए सजीव होती है, फॉरेन टूर भी उन्हीं के लिए बनती है, अरे पूरी दुनिया सेल्फियां भी उन्हीं के साथ लेती है, जैसे आज सुरेखा भार्गव जी के साथ ले रही है और अब हमारे साथ लेगी। सो थैंक यू सो मच सुरेखा जी, पूरे हिंदुस्तान के पलक पर हमें मौका देने के लिए न्याय कर लिया। अगर ये सारी एनर्जी इधर उधर कहीं किसी कोने पे खड़े होके, नुक्कड़ पे खड़े होके बातें करने में गवा दी होती, या खाली वो मोबाइल पे गेम खेलते हुए या इधर उधर इंटरनेट पे सर्फ करते हुए गवा दी होती ना, तो क्या न्याय किया होता। आपने किया है यौवन के साथ न्याय, और हिंदुस्तान के हर युवक युवती को ये ही करना चाहिए। मैं जोरदार तालियां आपके सम्मान में बजाना चाहती हूँ, और इतना ही बताना चाहती हूँ, मेरी उम्र तक आने आते आते 2-4 आइलैंड तो गारंटेड आपके होने वाले हैं। फैंटास्टिक, शाबाश, क्या बात है। आइए दोस्तों, चलते एक अगले ऐसे ही यूथ आइकॉन की तरफ, जो 4,000 रुपया महीना कमाता था, जिसके जब दाढ़ी भी नहीं आई थी ना, तब से पैसा जिसने कमाना शुरू किया था और अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए, आज मोदी केयर की सफलतम कहानियों में से एक है। हम बुला रहे हैं राजकुमार पाल जी को सम्मान स्क्रीन पर। राजकुमार पाल जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राजकुमार पाल है, मैं हल्द्वानी उत्तराखंड से हूँ, और मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में आया था आज से लगभग 5 साल पहले। और जब मैं मोदी केयर बिजनेस मुझे मिला था, उस टाइम पे मैं प्राइवेट कंपनी टाटा मोटर्स में 5.5 अरब महीना कमाने के लिए 10 घंटे डेली काम करता था, जॉब करता था, और तब मुझे मोदी केयर बिजनेस मेरी लाइफ में आया और मैंने इसे स्टार्ट किया। शुरुआत में जैसा सभी के साथ होता है, मेरे साथ भी कुछ चैलेंजेस आए, लोगों ने रिजेक्शन दिए, लेकिन मैं लकी था, मैं सिस्टम से जुड़ा रहा, मीटिंग से जुड़ा रहा, ट्रेनिंग से जुड़ा रहा, अपनी अपलाइन की बातों को मैंने फॉलो किया, और पहले महीने की इनकम थी मोदी केयर से 170। और आज कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज मंथली इनकम लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए महीना मोदी केयर बिजनेस मुझे लगातार दे रहा है। और सिर्फ 2.5 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम ही नहीं, आज से अगर 5 साल पहले की बात करूं तो एक साइकिल तक खरीदने की हैसियत नहीं थी परिवार की,
एक 2 से 3 हजार रुपए की साइकिल तक के पैसे नहीं थे, लेकिन इस मोदी केयर बिजनेस से पिछले 4.5 साल में 2 लग्जरी कार मोदी केयर ने फ्री में गिफ्ट की है। पहली कार मोदी केयर से मिली होंडा में, जिसकी कीमत है 8.5 लाख रुपए, और दूसरी कार मोदी केयर से मुझे फ्री में गिफ्ट मिली है, इसका नाम है महिंद्रा XUV300, जिसकी कीमत है 14,70,000 रुपए। और तीसरी कार जो मोदी केयर मुझे देने जा रहा है मेरे 27वें बर्थडे पे, उस गाड़ी का नाम है जैगुआर एफ पेस, उसकी कीमत है लगभग 85 लाख रुपए। और एक झोपड़ी के अंदर जन्म हुआ था, कच्ची मिट्टी की दीवारें, गन्ने के फूस की छत थी सर के ऊपर, लेकिन इस मोदी केयर बिजनेस की ताकत है कि इसी महीने जो मैं घर बुक करने जा रहा हूँ, उस घर की कीमत है लगभग 1 करोड़ रुपए। तो ये ताकत है इस मोदी केयर बिजनेस की। सो थैंक यू सो मच मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। मैंने तुम्हारी सिंपलिसिटी को पहले दिन से देखा है, तुम्हारे एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को और तुम्हारी मेहनत को, जो भी करना पड़े कोई बहाना नहीं बनाया। तुम्हारे छोटे से एरिया में कोई मीटिंग नहीं होती थी तो अपने लोग उठा करके दिल्ली ले आया करते थे, कहते थे विजन होगा तो रीजन होगा, रीजन होगा तो एक्शन होगा, एक्शन होगा तो रिजल्ट मिलेंगे, रिजल्ट मिलेंगे तो सपने पूरे होंगे, सपने पूरे होंगे तो हम मानव योनि के साथ न्याय कर पाएंगे। तुम्हारी सोच को सलाम है। हर बच्चा अगर ऐसा सोचने लगे तो हिंदुस्तान फिर से सोने की चिड़िया बन सकता। जोरदार तालियां मैं बजाना चाहूंगी आपके लिए राजकुमार पाल जी, और हमारे अगले अचीवर दीप सयाल जी को बुलाना चाहूंगी। दीप सयाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां बजाते हुए आपको स्क्रीन पर सम्मानित कर रहे हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम दीप सयाल है, भीमताल नैनीताल उत्तराखंड को बिलोंग करता हूँ। मोदी केयर बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब सर्च कर रहा था पढ़ाई के बाद, क्योंकि पापा एक गवर्नमेंट टीचर थे, उन्होंने बचपन से ये सिखाया था बेटा खूब अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो मोदी केयर मेरी लाइफ में तब आया जब मैं जॉब सर्च कर रहा था। मैंने क्योंकि साथ वाले लोगों को भी देखा था, जो लोग जॉब सर्च भी कर रहे थे, जिनको जॉब मिल भी रही थी तो 20-25 हजार से ऊपर नहीं मिल रही थी। तो मेरा भी माइंड सेट ये हो गया था कि 15-20-25 हजार भी मिल जाए तो काफी है, लेकिन जब मोदी केयर अपॉर्चुनिटी देखी तो दिमाग के ढक्कन खुल गए। जब मुझे लगा कि यहाँ पर हर तरह के लोग कामयाब हो रहे तो मैं भी हो सकता हूँ, मैंने इस बिजनेस को फुल टाइम करना डिसीजन लिया। उत्तराखंड में स्टाफिंग में स्टोर नहीं होते थे, यहाँ पर कोई मीटिंग नहीं होती थी, हम लोग रेगुलर दिल्ली जाया करते थे मीटिंग बिजनेस को सीखने के लिए, और वहाँ पर मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करके हमने ये बिजनेस सीखा। स्टार्टिंग में बहुत सारे सपने लेकर मोदी केयर में आया था। पहला सपना था मेरे पास खुद की बाइक हो, तो मोदी केयर से बाइक भी मिली और 13 लाख रुपए की इको स्पोर्ट्स गाड़ी भी मिली। दूसरा सपना था कि जो 25 हजार की सोच बन गई थी जॉब में, एक मेंटेलिटी एक सेट हो गया था, वो लाखों रुपए पर मंथ पहुंचे हैं। तो आज 1.5 से 2 लाख रुपए रेगुलर इनकम आ रही है। फॉरेन ट्रिप का सपना तो कभी सोचा भी नहीं था मोदी केयर ने। हमारी मेरी शादी की फर्स्ट एनिवर्सरी में हमें सिंगापुर मलेशिया रॉयल कैरेबियन क्रूज से घुमाया। दोस्तों आज सपने बहुत बढ़ गए हैं और 5 लाख रुपए महीना ऐसा लगता है जैसे चुटकी का खेल है, और बहुत जल्दी पता है ये इनकम हमारे घर बहुत जल्दी पर मंथ आने वाली है। तो थैंक यू मैम। Fantastic. कितनी सिंपल आप हैं, उतनी निखरी हुई आपकी सोच है। और आपकी स्टोरी के थ्रू मैं यही बताना चाहती थी यूथ को कि आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप वो हाई फाइव बैकग्राउंड से हो या बहुत, जिसको कहो कि बहुत शार्प आपकी पर्सनैलिटी हो, आप जो भी हैं सारा ओरा आपकी सोच से बनता है। और जब सोच दीप सयाल जैसी है, वो उनके जैसी हो, तो फिर भविष्य भी वैसा ही निकलता है। डेस्टिनी वहीं आपको लेके जाती है जहां दीप सयाल जी को लेकर के जा रही है। मैं जोरदार तालियां दीप जी के लिए बजाते हुए अपने बारे में एक बात बताना चाहूंगी। जब मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया था, मैं भी तो नौजवानी थी, मैं 27-28 साल की एक लड़की थी। और फ्रेंड्स, क्या हुआ है इस यूथ के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ। 27-28 साल से शुरू हुई, एक के बाद एक गाड़ियां खरीदती गई, एक मर्सिडीज आई सी क्लास, फिर मर्सिडीज जीएल खरीदी 1 करोड़ की, फिर मर्सिडीज एस क्लास खरीदी 1 करोड़ 40 लाख रुपए की, फिर बेटे को वॉल्वो दिलाई, बच्चा बड़ा हो गया। वो जो 2 साल का बच्चा था वो देखते ही देखते बड़ा हो गया। अभी उसने MBA किया, फिर वो एक बहुत अच्छी नेशनल पोस्ट पर काम पे लगा, उसको उसकी बर्थडे पे वॉल्वो दिलाई, और फिर जो सबसे बड़ा इनाम ये हेलीपैड, और ये मेरी पूरे के पूरे नेटवर्क में जो सक्सेस आती चली गई। बिलीव मी, जब हमने ये सक्सेस स्टोरीज कंपाइल करनी शुरू करी, ऐसी ऐसी स्टोरीज निकल के आई जो 7 लाख 8 लाख कमाते हैं, और मैंने कभी उनका नाम भी नहीं सुना था। अब नेटवर्क इतना बड़ा हो गया है, सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया है, चारों ओर से सफलता की बारिश हो रही है और हमें पता भी नहीं चल रहा है। परमानेंट इनकम। इस बीच में अप्स एंड डाउन्स आए, मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, पैरालाइज हुए, पैसे की उस समय भी कभी कोई दिक्कत नहीं आई। एक लाइफ में इस यूथ से आज मैं जहां पहुंची हूं, मैं वहां तक बताना चाहती हूं आपको कि मोदी केयर वर्थ डूइंग एवरीथिंग है। कोई भी अप आएगा, कोई भी डाउन आएगा, कम से कम पैसे की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, दुआओं की कमी कोई नहीं रहेगी,
दोस्तों की कमी कोई नहीं रहेगी, आपकी अगली पीढ़ी निखरती चली जाएगी जैसी निशांत भार्गव की निखरी है। आज जो ये इवेंट आपने अटेंड करी है इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन निशांत भार्गव जी का है। ये जो फोटोग्राफ्स, ये जो टेक्नोलॉजी, ये हर चीज जो है निशांत जी ने इस इवेंट को पॉसिबल बनाया है। और डेफिनेटली एक व्यक्ति जिसको मैं शुक्रिया अदा करना नहीं भूल सकती और वो है सिमी मल्होत्रा जी, जिन्होंने सबके साथ कोऑर्डिनेट किया है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और ऑल ओवर इंडिया की लीडरशिप जो इस मिशन में अपने आप को ओन कर रहे थे इस मिशन को, और जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और हमें मदद करी सब कुछ आसानी से कंपाइल करने में। पर एक बात आखिर में बताना चाहूंगी, अभी तो मैं शुरू हुई हूँ, ये वो यो यूथ जो 27-28 साल से शुरू हुआ था, अब मेरे आइलैंड लेने का टाइम आया है, अब मेरे प्लेन लेने का टाइम आया है, अब मेरे हर महीने एक फॉरेन ट्रिप घूमने का टाइम आया है, अब मेरी वो रोलेक्स, और अब तो मेरी ऐशो आराम की जिंदगी शुरू हुई है। और आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, अगर ऐसी जिंदगी आप भी जीना चाहते हैं, हर दिन ऐसा लगे कि अभी तो बस पैदा हुए हैं, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, और अगर मेरे जैसे ऐश के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं तो जो यूथ आज हैं अभी ज्वाइन कीजिए। मेरी उम्र तक आते आते आप लोगों के तो न जाने कैसे अरबपति खरबपति आप लोग बन करके खड़े होंगे। मेहनत करने की तैयारी कर लीजिए, मोदी केयर आपके हर सपने को पूरा करने की काबिलियत रखता है, आप अपना साथ दे दीजिए, हम आपका साथ दे देंगे। तो ओवर टू यू, थैंक यू सो वेरी मच। इस सक्सेस कार्निवाल को अब हम आज खत्म करना चाहेंगे और हर किसी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। एक ही बात कहते हैं, मोदी केयर है तो सब कुछ संभव है, जीत जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।